जिस दिन इसको गोली लगी उसी दिन मैंने तय कर लिया था, मतलब दूसरे दिन तो मैंने टाइटल रजिस्टर कर लिया और सोचा कि इस फिल्म को बनाया जाए। उन दिनों इस तरह की फिल्में यहाँ पर बनती नहीं है, मोस्टली कमर्शियल फिल्में बनती हैं, ये थोड़ा सा ग्रे स्केल का फिल्म है। प्रोड्यूसर तो मिल नहीं रहता, कई बार में प्रोड्यूसर मिले, रिसर्च चलता रहा। पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्ट्री में है इम्तियाज़ गुल साहब, जो दुनिया के बहुत बड़े रिपोर्टर भी हैं, क्राइम रिपोर्ट करते हैं, किताबें भी लिखते हैं क्राइम के ऊपर बहुत सारी। इम्तियाज़ गुल साहब, उनके तरफ से मुझे सपोर्ट मिला, फिर हम लोगों ने रिसर्च शुरू किया और फिर शुरू कर दिए थे। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान की नहीं है ना ये कहानी, तो वर्ल्ड की है। वो तो यूएन में अभी तो स्पीच दी है वो, इसपे राजीव सर जोर से बोलो यार, सर बोल रहे हैं। जिसे नोबेल पीस मिला है वो पाकिस्तान की नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड की है, वो वर्ल्ड की बेटी है। और हम भी कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था कि एक लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी तो आगे का पूरा जनरेशन पढ़ा लिखा होगा। आदमी तो घर से बाहर जाता है नौकरी के बहाने, काम के बहाने, मजदूरी करने, माँ होती है घर में, वो बच्ची को पढ़ाएगी, तो एक लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी तो पूरा आवाम पढ़ा लिखा होगा। ओके, मतलब शुरुआत ही अगर आपके कैरियर की बात करें, आपने ले गया सद्दाम जैसी फिल्म बनाई, हलाला का मसला उठाया, पर हमेशा आप मुस्लिम समाज को ही क्यों चुनते हैं और क्या वजह है? मतलब बी सी योर जर्नी, यू ऑलवेज पॉइंट आउट समथिंग इन द मुस्लिम बैकग्राउंड। नहीं, ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड कुछ भी हो, जहाँ पर इंडियन मुस्लिम का सवाल है। नहीं ना, वो तो हाँ जी जी जी, वो हलाला पे थी फिल्म। और अभी ये मसला ऐसा था, ये मुस्लिम सब्जेक्ट नहीं है, वो पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान का है। और पाकिस्तान में आप लोगों को पता है तालिबानियों का किस तरह से रहा है, अभी भी वो चलता रहा है, क्योंकि जहाँ की है मलाला वहाँ से फाटा इलाका बहुत करीब है। जब तालिबानियों को खदेड़ा गया था वहाँ से, अफगानिस्तान से, तो ये लोग फाटा इलाका क्रॉस करके मिंगोरा में घुस गए थे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कुछ रहा है उस दौरान खामी, जिस वजह से इन लोग वहाँ पर अपना मकाम बना लिए। और एक टाइम आया था जब आसिफ अली जरदारी थे वहाँ पर पावर में, तो इन लोगों ने अपना तो एक तरह का कंट्री बना लिया था, जहाँ पर इन लोगों ने शरिया लॉ का इस्तेमाल किया था, स्कूलें तोड़ी गए थे, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जितनी लड़की हैं वो पढ़ेंगी नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेंगी। और फिर मलाला ने उसके खिलाफ जिहाद किया, ब्लॉगिंग किया उसने BBC में, गुलमकई नाम से उसका ब्लॉग चलता था, आप लोगों सबको पता है। कई सालों के बाद पता चला कि जो भाई गुलमकई जो है वही मलाला यूसुफ़ज़ई है, और फिर आप लोगों को सबको पता है कि उस पर अटैक हो गया। इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे को उठाना और पहले ही मलाला की पढ़ाई से लेकर उनके ऊपर जो हमला हुआ उससे लेकर यूएन में जाना, नोबेल प्राइज, कहीं इस बात का डर है कि कुछ आपको शायद थ्रेट वगैरह भी आ सकती है, धमकी वगैरह? अब तो फिल्म बनाने नहीं, नहीं, मैंने जब शुरुआत किया था तभी थ्रेट आ चुके थे मुझे, एकदम शुरुआत में 2012 में ही मैंने जब अनाउंस किया था बहुत सारे थ्रेट्स आए थे और आते भी रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता थ्रेट से, क्या फर्क पड़ेगा। अब मलाला को लेने के बाद कितने थ्रेट्स? मलाला के जीवन पे बनाने पे कितने थ्रेट हैं? अब तो फिल्म बनने जा रही है। नहीं नहीं, आ गए, पहले जिस दिन मैंने अनाउंस किया था मलाला पे फिल्म बनाऊंगा उसी दिन आ गए थे थ्रेट। ओके, क्या आपने सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से सुरक्षा की डिमांड की? अभी तक कोई मांग नहीं की मैंने, क्योंकि मौत तो सुरक्षा के बाद भी हो जाएगी भाई, जिसको होना होगा।